Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. If the motion of an object is represented by a straight line parallel to the time axis in a distance time graph, then the object undergoes. क्या क्वेश्चन दिया गया? Let's see, ये मैंने distance लिखा, distance, और ये मैंने लिखा time. अगर मेरा graph time के parallel है, time axis के parallel, ऐसा graph है, ठीक है, हमें बताना है कि motion कैसा है. ऐसा ग्राफ होने का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू कांस्टेंट है, डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, किसी बॉडी के बीच में और मेरे में डिस्टेंस नहीं बदल रहा, कांस्टेंट डिस्टेंस है. मैं क्या बोलूंगा भाई, यार भैया वो अब भी दो फुट दो फुट दो फुट, कभी आगे जा ही नहीं रही है बॉडी, वहीं की वहीं है, कुर्सी है मेरे से अब भी दो मीटर की दूरी पर है, बाद में भी दो मीटर की दूरी पर है, फिर दो मीटर की दूरी पर, तो कुर्सी मेरे लिए रेस्ट में है. अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रही, इसका मतलब चल ही नहीं रही है भैया, ठीक है. तो अगर बॉडी जो है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है. ओके, कौन सा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, डीएक्सेलरेटेड मोशन नहीं, यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी मोशन नहीं, तो बेसिकली जीरो वेलोसिटी मोशन है ना, बॉडी चल नहीं रही, रेस्ट पे. क्लियर?